स्टैंडर्ड सिक्स मैथ सब्जेक्ट चैप्टर 9 एचसीएफ एंड एलसीएम। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ कैसे निकालना है वो सीखा था, तो आज थोड़ा सा उसका रिवीजन करके एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं। तो एचसीएफ मतलब क्या मैंने बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमको एग्जाम्पल के तौर पे 16 और 12 का हमें एचसीएफ निकालना है तो पहले हम देखेंगे कि 16 को किस किस से डिवाइड होता है, तो डिवाइड बाय 2, 4, 8 एंड 16, और 12 को किस से डिवाइड होता है 2, 3, 4, 6, 12। फिर हमने इन दोनों के क्या देखे, कॉमन फैक्टर, कि जैसे 2 से 16 को भी डिवाइड हो रहा है और 12 को भी डिवाइड हो रहा है, और 4 16 को भी डिवाइड हो रहा है 4 से और 12 को भी डिवाइड हो रहा है, और अभी इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट है, जो हाईएस्ट है, वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये एक मेथड है एचसीएफ निकालने की, लेकिन मैंने जो मेथड सिखाई है वो सबसे इजी है और आगे चल के तुम्हें वही मेथड यूज़ करनी, इसलिए मैंने वो फैक्टर्स की मेथड सिखाई है डिवाइड करके। अभी अगर हम एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं तो एलसीएम का मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमने 12 और 18 लिया कि हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी फाइंड द मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18। तो हमें 12 और 18 का मल्टीपल निकालना पड़ेगा। मल्टीपल ऑफ 12 इसका मतलब क्या है, तो हमें 12 का पूरा टेबल लिखना पड़ेगा। मल्टीपल ऑफ 12 मतलब 12 का टेबल, और मल्टीपल ऑफ 18 मतलब 18 का टेबल। तो 12 का टेबल हमने लिख लिया, 12 1 12 12 2 24, 12 3 36, 12 4 4 48, इस तरह से हमने लिख लिया। उसी तरह से 18 का टेबल लिख लिया, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, इस तरह से। अभी हमें इसमें क्या देखने हैं, कॉमन मल्टीपल्स देखने, क्या देखने हैं, कॉमन मल्टीपल। जैसे कि यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है, आगे यहाँ पे भी 72 है, 12 के टेबल में भी 72 आ रहे हैं, 12 के टेबल में भी 108 आ रहे हैं, 18 के टेबल में भी 108 आ रहे हैं, तो ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। अगर हमने आगे लिखे तो और भी आगे कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। अभी एलसीएम में क्या देखना है, हमें लोएस्ट लोएस्ट मल्टीपल देखना है। तो इन तीनों में लोएस्ट कौन सा है, 36, तो एलसीएम क्या हो गया, 36। तो ये भी मेथड है एलसीएम निकालने की, लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको टेबल्स बाय हार्ट चाहिए, तभी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एचसीएफ में जो मेथड सिखाई, सेम मेथड में एलसीएम में आपको सिखाने वाली हूँ। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने ये सम आपको दिया है कि भाई एलसीएम मतलब क्या। तो चलो प्रैक्टिस सेट 25 का फर्स्ट सम हम देखते हैं, 9 और 15, इसका हमें एलसीएम निकालना है। अभी मैं सेम मेथड यूज़ कर रही हूँ जो एचसीएफ में हमने यूज़ की। तो देखो 9 को पहले किससे जाएगा, डिवाइड 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ार 9, 3 को किससे जाएगा फिर से 3 से, 3 1 ज़ार 3। 15 को भी 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ार 15, 5 को डिवाइड होगा 5 से ही, इसीलिए 5 1 ज़ार 5। तो ये तो फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मल्टीपल्स, लेकिन वो टेबल हमने यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे हमने डिवाइड किया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 9। 9 के फैक्टर्स क्या है, 3 एंड 3। तो हम मल्टीपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं या कॉमास देकर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फैक्टर्स ऑफ 15 कितने हैं, 3 एंड 5। तो अभी इन दोनों में से हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा है, 3। यहाँ तक तो एचसीएफ हम निकालते हैं बराबर, सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा करनी है एलसीएम में, हमें अनकॉमन फैक्टर भी देखने हैं। तो अभी अनकॉमन फैक्टर मतलब जो रिमेनिंग रह गए, तो बाकी कौन से रह गए, ये 3 और 5, तो हमें वो भी लिखने हैं। तो अनकॉमन फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5, तो एलसीएम कितना हो गया, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कॉमन फैक्टर का भी एंड अनकॉमन फैक्टर का भी, मतलब ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई 5,
तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45, तो एलसीएम हो गया 45। अभी देखो 2 3 एंड 5, इनका हमें करना है एलसीएम। तो 2 का मैंने निकाला, 2 से ही डिवाइड होगा, 2 1 ज़ार 2। 3 का क्या हो जाएगा, 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 ज़ार 3। और 5 का 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 ज़ार 5। अभी 3 है तो तीनों में हमें क्या निकालने हैं, पहले हम लिख लेंगे फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हो गए, 2 फैक्टर्स ऑफ 3 क्या हो गए, ओनली 3। और फैक्टर्स ऑफ 5 क्या हो गए, ओनली 5 है, बराबर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कुछ है क्या, नहीं, निल, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में। तो फिर हम अनकॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। अनकॉमन फैक्टर 2 3 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये हो गए अनकॉमन फैक्टर। इसीलिए एलसीएम क्या आ गया आपका, कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं, इसलिए इनका ही मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, तो एलसीएम कितना हो गया इसका, 30। और एक सम हम अभी और एक सम हम आगे लेते हैं, 12 एंड 28। तो देखो 12 का हम निकालेंगे, 12 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 ज़ार 12, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ार 6, 3 को 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 3 1 ज़ार 3। अभी 28 का देखते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 7 ज़ार 14। 7 किसके टेबल में आते हैं, ओनली 7 के, इसलिए 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ार 7। तो अभी फैक्टर ऑफ 12 क्या आ गए, 2 2 एंड 3। और फैक्टर ऑफ 28 के फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर, बराबर। कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो लिख लिया 1 टाइम, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जब हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं दोनों के लिए, हम एक ही बार लिखते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 1 टाइम 2। अभी अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर क्या रहेंगे जो रिमेनिंग है, वो 3 एंड 7। तो देयरफॉर एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 एंड ये अनकॉमन फैक्टर, इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 एंड 12 7 ज़ार 84। तो कितना हो गया, 84, ये इसका एलसीएम हो गया। अभी और एक सम कर लेते हैं, चलो 15 15, 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ार 15, 5 किसके टेबल में आता है, 5 1 ज़ार 5। 20 20, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ार 2, 0 वैसे के वैसे, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 5 ज़ार 10। और 5 के लिए डिवाइड करने के लिए हमें 5 ही यूज़ करना पड़ेगा, 5 1 ज़ार 5। FACTORS, फैक्टर्स ऑफ 15 कितने आ गए, 3 एंड 5, 3 मल्टीप्लाई 5। और फैक्टर्स ऑफ 20 क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। पहले हम देखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, 5, ओनली 5 ये कॉमन फैक्टर आ गए, बराबर। अभी अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 3 2 एंड ये 2, इसीलिए एलसीएम क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कॉमन फैक्टर भी एंड अनकॉमन फैक्टर भी। तो 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 30 2 ज़ार 60, तो 60 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अभी एक लास्ट सम, 8 8 को डिवाइड होगा 2 से, 2 4 ज़ार 8, 4 को भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ार 4, इस 2 को भी 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ार 2। अभी 11 11 किसके टेबल में आते हैं, 11 को किससे डिवाइड होगा, ओनली 11 से, 11 1 ज़ार 11। तो फैक्टर ऑफ 8 क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2।
फैक्टर ऑफ 11 क्या हो गए, ओनली 11। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया, नील है ही नहीं। फिर अनकॉमन फैक्टर कितने हो गए, अभी हमें अनकॉमन फैक्टर लिखने हैं। कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं, तो अनकॉमन फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 और 11 का 11। इसीलिए एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, इन सब की मल्टीप्लिकेशन, इन सब का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 11 × 8 = 88। तो ये हो गया एलसीएम। अगर एलसीएम हम निकालते हैं तो इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हमने एलसीएम निकाल लिए। अभी आगे जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, वो मैं आपको पार्ट टू में अपलोड करूँगी बाद में। पार्ट टू में आपको वर्ड प्रॉब्लम मिल जाएंगे।